दोस्तों, आम का मौसम आ चुका है और मार्केट में दुकानदार कई तरीकों से आम को पकाकर बेच रहे हैं, लेकिन हम सभी को पता है कि वह सारे तरीके हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हैं। अगर आपको भी यही चिंता सता रही है तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसमें आप आसानी से केमिकल से पके हुए आम को पहचान लेंगे। नंबर वन, आम को उसके रंगों से जांचा जा सकता है। आम की सतह अगर केमिकल से पकी हुई होती है तो इसका सतह पीले और हरे रंग का मिश्रण होता है। यहाँ हरा और पीला अलग अलग दिखता है, लेकिन जो आम प्राकृतिक रूप से पके हुए होते हैं उनमें हरे और पीले का एक समान मिश्रण रहता है। तो बेसिकली ये है कि हरा और पीला अलग अलग होगा, बाइफ्रेट होगा, तो समझ जाना कि यह केमिकल से पकाया हुआ है। लेकिन अगर आम अगर नेचुरल रूप से पका हुआ होगा तो उसमें हरे और पीले का एक समान मिश्रण रहता है, मिक्सचर रहता है कलर का। सेकंड पॉइंट, आम के रस से भी इसकी पहचान की जा सकती है। जो आम आर्टिफिशियल तरीके से पकाए जाते हैं वो नेचुरल तरीके से पकाए हुए आम से कम रसदार भी होते हैं। आम की पहचान करने के लिए आप इसके डंठल वाली जगह को अपने नाक के पास ले जाएं, और अगर आपको केमिकल की गंध आ रही है तो उसे बिल्कुल ही ना खरीदें। एंड लास्ट पॉइंट, मीठी आम को पहचानने का आसान तरीका यह है कि आप इसे पहले छू कर देखें। उंगली लगाने पर अगर यह हल्का धस जाए तो समझे कि आपका आम बहुत मीठा है, और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि यह पहले से ही दबा हुआ ना हो, नहीं तो आप सड़ा हुआ आम भी ले सकते हैं, राइट? तो इस टिप्स का ध्यान रखिए। कैसी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।